राइवलरीज की बात कर रहे हैं, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी, कोई ऐसा कोई प्लेयर जिसको आपने सोचा हो कि नहीं जी ये तो मेरे सामने जरा बॉलिंग तो कराए, मैं इसको बताता हूँ कि कैसे खेला जाता है, कोई ऐसी राइवलरी कभी किसी के अगेन जहन में ऐसी बनी और जिससे आपने या तो फायदा उठाया या शायद उसने आपकी विकेट पहले ले ली? देखिए, जैसे लाला ने अभी बात की, राइवलरीज तो बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है क्रिकेट में, क्योंकि इसके बगैर तो आपकी परफॉर्मेंसेस बड़ी मुश्किल हैं। और जब आप अपने ही टीम प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टेक पे होती हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखें इस टाइम पे ओवरऑल पीएसएल की सूरत हाल और जितने भी टीमों को, डिफरेंट टीमों को देखें, तो बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें स्टेक पे हैं बहुत सारे प्लेयरों की। जैसे हमने बाबर की बात की, जिस सिचुएशन में वो छोड़ के गया है पेशावर जर्मी में, और जिस तरीके से उनके प्लेयर्स चेंज हुए हैं, फिर कुछ बातें भी हुई, कुछ कमेंट भी किया प्लेयरों ने, फिर शाहीन अफरीदी ने जिस तरीके से लास्ट टाइम जिताया लाहौर कलंदर्स को, और अब वो फिर जाहिर है उसके सामने होगा कि मेरे दोबारा अच्छा परफॉर्म करना है और टीम को भी जिताना है। इस्लामाबाद ऑब्वियसली शादाब खान इतने अरसा वाइस कैप्टन रहा है पाकिस्तान टीम का, और वो देख रहे हैं कि किस तरह हम दोबारा से चैम्पियन बने। क्वेटा सरफराज ज़रूर सोच रहा होगा कि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पीएसएल होगा उसके लिए, जैसे उसने कम बैक किया अभी टेस्ट में, वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी चाहेगा कि खुद एज ए प्लेयर परफॉर्म करे, एज ए कैप्टन उसकी टीम जीते। तो आप सारी टीमों को देखें, उनका कहीं ना कहीं जो पूरा एक स्क्वाड है उनकी बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे है। जहाँ तक मेरी बात है, ऑब्वियसली कंपटीशन विद इन द टीम जो है वो हमेशा रहता है। जब हम लोग भी खेले थे, मुझे याद है पहला पीएसएल, तो उस वक्त पे इस्लामाबाद ने जब मुझे लिया और बाकी टीमें यही सोच रही थी कि फटाफट दूसरे प्लेयर उन्होंने ले लिए इधर उधर से, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज था कि यार अच्छा अगर ऐसी सूरत हाल है तो आके अब T20 क्रिकेट में अच्छा करना है, और इस टीम के लिए जाहिर है मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान था, तो ऐसी परफॉर्मेंस देनी है, अपने आप को मनवाना है। एवरी डे यू स्टेप अप ऑन द क्रिकेट फील्ड, आपने अपने आप को प्रूव करना है, और उसके लिए आपने ये नहीं देखना कि सामने लाला है, मेरा टीम मेट है, उसके गेस में खेल रहा हूँ, जब लाला मुझे बॉल करेगा तो ऑब्वियसली मैं अपना बेस्ट दूंगा और लाला अपना बेस्ट देगा, और जब भी हम आमने सामने आए हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कंपटीशन होता था। रिस्पेक्ट अपनी जगह, बट हम हमारी कोशिश और हेल्दी कंपटीशन से, इस हेल्दी कंपटीशन से जो एक मज़े का एनवायरनमेंट बन जाता है, वो कहते हैं ना स्पाइस ऑफ दिस गेम।